अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि आज मैं जो है वो आपको मैकाओ की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, मैकाओ काकाटू की। और जमील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो हमें इन्वाइट किया अपने फार्म हाउस पर, और आज हम उनके फार्म हाउस पर जाएँगे और वहाँ पर जो है वो मैं आपको कुछ बर्ड्स दिखाऊँगा और इसके अलावा जो है आपको मैकाओ की जो है वो इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो चलिए उनके घर चलते हैं, बाकी वीडियो जो है वो उधर जाकर बनाते हैं। जी माशाल्लाह से हम जो है वो जमील भाई के घर जो है वो पहुंच चुके हैं, और चलिए अंदर चलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि क्या क्या है। क्या हाल है जमील भाई आपके? ठीक ठाक है, कैसे दे गया था? हाँ जी, हाँ जी, सब अल्लाह का शुक्र है।
जी फ्रेंड्स, तो आपने देखा वीडियो के स्टार्ट में जो है वो मैंने आपको जमील भाई का जो है सारा शेड दिखाया। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। बहुत मज़ा है जमील भाई आपका, माशाल्लाह सब दोस्तों ने भी आपको फॉर्म देखा, आपके बर्ड्स देखे, और मैं मुझे भी जो है वो बड़ा विजिट करके बड़ा मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। तो जमील भाई, आज जो है वो स्पेशली हमने जो टॉपिक रखा है वो मैकाउज और काकाटूज जो बड़े परिंदे हैं उन पर रखा है। बहुत सारे दोस्तों का जो है वो दिल करता है कि हम ये बड़े बर्ड्स रखें, लेकिन उनको बेसिकली रखने नहीं आते। और जो है आज की वीडियो में आप और मैं, हम दोनों जो है वो मिलके बहुत कुछ जो है वो जमील भाई से सीखेंगे, इनकी डाइट प्लान के बारे में, इनको रखने के तरीका, और अगर आप रखना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो जो है वो साबित होगी। तो जमील भाई, जो है जितने भी मैंने मैकाउज देखे मुझे माशाल्लाह बड़ा अच्छा साइज़ इनका लगा। तो सबसे पहले आप जो है, अगर किसी दोस्त ने मैकाउ रखना है या काकाटू रखना है, तो सबसे पहली जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है आपकी लोकेशन, कि आपको बर्ड कैसी जगह पे रखना चाहिए, क्या आपको बिल्कुल प्राइवेसी में रखना चाहिए, वो कैसी लोकेशन होनी चाहिए? जबराम भाई बहुत शुक्रिया। बात यह है कि बर्ड जो होता है वो सेटल हो जाता है जी जी। आप उसको किसी भी एनवायरनमेंट में रखें, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा आने जाने वाले आपका रास्ता है वहाँ पे पड़ा हुआ, तो वो बर्ड उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसको प्राइवेसी मिल जाए, तो ज़रा जल्दी सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं जी जी। बस हम जो है ना वो यही सुनने में आया कि बर्ड को प्राइवेसी चाहिए, ऐसी जगह आना जाना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपका बर्ड वाइल्ड है या कैप्टिव है। वाइल्ड है, ठीक है। इसमें मैं, आपने जो बैक साइड पे पेयर लगे इनमें मोस्टली कैप्टिव ब्रीड्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं उनके पास भी चला जाता हूँ, हाथ से भी खिलाता हूँ, तो वो लेके खा लेते हैं, ठीक है, तो उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको थोड़ा प्राइवेसी दें, वो अपना सलीसे खाएँ पिएँ, इन्जॉय करें। और बर्ड को अगर आपने खुश रखा हुआ है तो बर्ड आपका ब्रीड भी करेगा और हेल्दी भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा। जमील भाई, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे मेरा ये है कि इनका मैकाउज और काकाटू, मेरे ख्याल से इनका केज साइज़ तो सेम होता है, तो मिनिमम इनका केज साइज़ क्या होना चाहिए? अगर हम कुछ दोस्त अगर रखना चाह रहे हैं तो मिनिमम इनका केज साइज़ क्या बनाएं? मैंने जो दिया हुआ जी वो मिनिमम 7 फीट उसकी डेप्थ है, जिसमें बॉक्स इसका बाहर लगता है, गली वाली साइड पर लगे हुए, और तकरीबन 4.5 फीट जो है इनकी विड्थ है, और तकरीबन 5 फीट उनकी हाइट है। 5 फीट x 4.5 x 7। और ये जमील भाई, ये मिनिमम साइज है, ये मिनिमम साइज है। अगर हम इससे बड़ा दें तो बर्ड के लिए और बहुत बेहतर है, जितना बड़ा दें कोई इशू नहीं है, डेप्थ जितनी ज्यादा होगी बर्ड ज्यादा फ्लाई करेगा। बिल्कुल। और जमील भाई, मैं देख रहा था कि आपने जो केजेस बनाए हुए हैं वो जो है आगे से वो ओपन है, कि धूप बारिश हर चीज़ आती है, तो ये बर्ड इन्जॉय करते हैं, और सर्दियों में कैसे मैनेज होता है? ये बड़े बर्ड्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा सर्दी का इशू होता है। जो ओपन रखा हुआ उसमें जब बारिश आती है तो परिंदा आगे आके नहाता भी है, अगर सर्दियों में सनलाइट आ रही है तो परिंदा उस साइड पे आ जाता है, ठीक है। और अगर बर्ड फील करता है कि उसको गर्मी वगैरह है तो वो बैक साइड पे चला जाता है, उस साइड पे कूलर लगे हुए हैं जिसमें उसको वेंटिलेशन हो रही है और वो वहाँ पर कम्फर्टेबल बैठा रहता है। जमील भाई, मेरा जो है ना वो मेरा भी बड़ा शौक है ये मैकाउज और काकाटू रखने का, और मैं मतलब ईजिली जो है वो ख़रीद भी सकता हूँ, रख भी सकता हूँ। तो असल में जो इसका जो शोर है काकाटू और मैकाओ का, वो जो जैसे गली मोहल्ले में आपने किसी छत पे रखा हुआ, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम करते हैं, आपके जो जो भी हमसाए हैं, जो आपके नेबर्स हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं इसकी वॉइस से। तो क्या ये सारे पेड़ जो हैं वो शोर करते हैं? इनका क्या टाइम होता है शोर करने का? क्या हम अपने घरों में, अपने गली मोहल्लों में रख सकते हैं? जैसा कि आपका तो बिल्कुल सेपरेट है, आपके तो आसपास कोई नहीं है, मतलब कोई जो डिस्टर्ब हो। सुब्रान भाई, ये फैक्ट है कि ये जो बर्ड है ये रेजिडेंस एरिया का बर्ड है नहीं है, है ही नहीं है, ठीक है। ये फार्म का बर्ड है, ठीक है, क्योंकि इसने अपना एक नॉइज लेवल है वो उसमें करना ही करना है, ठीक है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन ये मोस्टली अर्ली मॉर्निंग ये शुरू होते हैं, 1-2 घंटे का तब लगाते हैं, तब थोड़ा सा दोपहर को कर लेते हैं, थोड़ा सा शाम को कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं है। जब इनका दिल करेगा, ऑफ सीजन में ज़रा कम करते हैं, ब्रीडिंग सीजन में ज़रा अग्रेसिव होते हैं, तो उन दिनों में ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हैं। तो जमील भाई, दूसरे ही मैंने पूछना था कि मकाओ का तो मतलब जो है वो बॉक्स मैंने देखा है काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, एक ही होल होता है। जो काकाटू है उनका जो अगर आपने बॉक्स देखा हो काकाटू का, तो उसमें 2 होल होते हैं और 2 बनी होती है, उसकी क्या रीज़न है? उसमें जी जो काकाटू में मेल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है फीमेल के लिए। जब मेल हीट पे होता है तो फीमेल को ये चेज़ करता है, ठीक है। और अगर फीमेल इसके ना, इसकी जो भी ऑफर वगैरह एक्सेप्ट ना करे, तो ये बार दफ़ा फीमेल पे अटैक करता है और उसको फिर जो है ना ये स्निप कर देता है, ठीक है। इसलिए ये होता है कि अगर ये फीमेल को चेज़ करे
तो वो बॉक्स के अंदर गई है, तो उसको पैच मिलना चाहिए, कोई दूसरी साइड से बाहर निकल जाए, अदरवाइज वो उसके ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, और फीमेल अंदर ही बैठी रह जाती है, अंदर ही बैठ और वीक हो के ज़ाया हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, इसलिए जो है वो ताकि उसका रास्ता हो के दूसरी साइड करने के लिए उसको दिया बाहर निकल जाए। तो जमील भाई, इसकी हम अगर कुछ दोस्त जो है वो इसकी कलोनी लगाना चाहें, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कलोनी लगा सकते हैं कि नहीं, वैसे तो वन बाई वन जो है आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, क्या इन क्या ये इतने अग्रेसिव हैं, क्या इनकी जो है वो दो तीन चार पेयर की एक बड़ी कलोनी बनाई जा सकती है? आप काकाटू की बात कर रहे हैं? काकाटू की अक्सर दोस्तों का ये सवाल होता है, लबड़ से लेके मकाउस तक कलोनी किसी भी चीज़ की जो है ना वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती, नहीं देती है। अगर 10 पेयर लगाएंगे तो हो सकता है दो पेयर जो डोमिनेट होंगे वो अपना टेरिटरी बना के वो शुरू हो जाएंगे, बाकी 8 पेयर कुछ नहीं कर पाएंगे, 8 पेयर कुछ नहीं, ठीक है। तो बेहतर यही है कि जो पेयर हैं वो आप सेपरेट सेपरेट लगाएंगे, उसमें अगर अनफर्टिलिटी आ रही तो आपको कन्फर्म हो जाएगा किस पेयर की आ रही है, ठीक है, आपको एग रेशो, बच्चों की रेशो, सब आइडिया पेयर वाइज ही हो सकता है, कलोनी में आप ज़्यादा जो है कन्फ्यूज ही रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। अजमील भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि इन ये जो बड़े पैरट्स हैं मैकाउज काकाटूज, इनकी जो ब्रीडिंग सीज़न है, इनका ब्रीडिंग सीज़न कब से स्टार्ट होता है? वैसे तो ये होल द ईयर ब्रीड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो नॉर्मली ये खुद भी रुक जाते हैं, और हम भी कोई डाइट प्लान ऐसा कर देते हैं जिसमें इनको अग्रेसिव ना हो, सब्जियों वेजिटेबल पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, विटामिन वगैरह रोक दिए जाते हैं, तो ये जो 3-4 महीने इसमें बिल्कुल ये ऑफ हो जाते हैं। तो जमील भाई, ये जैसे अफ्रीकन ग्रे, मैं अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि अफ्रीकन ग्रे की जो डेफिशिएंसी होती है वो कैल्शियम होती है, तो ये जो मैं काउज और काकाटूज, इनकी डेफिशिएंसी क्या होती है, हमें किस चीज़ पे फोकस रखना है कि हमें जो है वो इसकी ब्रीड में कोई प्रॉब्लम ना आए? देखिए, डाइट में तो अगर सब चीज़ें बैलेंस हो तो ज़्यादा आपका बर्ड हेल्दी रहता है, लेकिन जैसे ग्रे की आपने कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा आती है, इसी तरीके मकाओ में फैट लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, फैट लेवल, तो आपको उसका फैट लेवल जो है ना उसको रखना है कि वो उसके मुताबिक आपकी डाइट मिल रही है या नहीं मिल रही, अगर फैट लेवल उसका कंप्लीट होगा तो फिर ही बर्ड जो है वो ब्रीडिंग की तरफ जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो जमील भाई, हम लोग क्या ऐसी गलती करते हैं, मतलब कुछ लोग जो हैं वो पेयर लेके आते हैं और उनका साल डेढ़ साल बाद जो है ना वो पेयर चल जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं वो शौक से लेके तो आते हैं लेकिन साला साल 4-5 साल गुजर जाते हैं, वो पेयर उनका ब्रीड नहीं करता, इसकी क्या रीज़न होती है कि क्यों उनके पास चल जाता है और एक परफेक्शन बंदे के पास पेयर चल जाता है और दूसरे के पास वो इंतज़ार ही करता रहता है, वो चलता ही नहीं? अच्छा, है ऐसा अक्सर देखा गया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेयर लगाया हुआ है, 4 साल से लगा हुआ है, सब ठीक है, डाइट वगैरह हर चीज़ ठीक है, लेकिन बर्ड वहाँ पे ब्रीड नहीं कर रहा, जैसे किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है, दूसरे केज में शिफ्ट होता है या दूसरी जगह पे जाता है, तो 1-2 महीने में 4 महीने में वो वहाँ पे ब्रीड करना शुरू कर देता है, तो ये मे पॉसिबल बर्ड वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, एक तो रीज़न ये भी होती है, दूसरा मोस्टली मैंने देखा है कि बर्ड ब्रीड तब करता है जब आप थक जाते हैं, ठीक है, जब आप थक जाते हैं तो आप बेच देते हैं, ठीक है, उसका बेनिफिट फिर अगला बंदा उठाता है, अगला बंदा, ठीक है, जैसे अभी जब काकाटूज मार्केट में आते हैं बाहर से, उनकी एज अडल्ट नहीं होते मोस्टली, वो ग्रे में भी मोस्टली अडल्ट पूरा नहीं होते, इलेक्ट्रस में भी ऐसे ही होता है, तो लोग क्या करते हैं कि वो 1-2 साल लगाया, मेहनत की और इतनी मेहनत करते हैं कि वो थक जाते हैं, ठीक है, और फिर वो सेल कर देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई, ये जो है ये पॉइंट मैं पहले भी आपसे लोगों से डिस्कस कर चुका था कि बर्ड की एज का पूरा होना बड़ा मैटर करता है, और इसमें जो है ना वो यही होता है कि किसी ने आपको जो है वो पेयर ले दिया, वो पेयर मेच्योर ही नहीं था, आपने बड़ी मेहनत की कि ये ब्रीड कर जाए, उसको विटामिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल हर तरह के डाले, लेकिन वो चला ही नहीं क्योंकि उसकी एज ही मेच्योर नहीं थी, और उसके बाद जो है वो आपके उस्ताद जी ने आपसे वो पेयर लेके अपने घर रख लिया और वो पेयर उनके पास चल गया और आपने कहा जी बस उस्ताद जी चला सकते हैं इस पेयर को। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैं दोस्तों से कहूँगा कि जब भी कोई बर्ड लें जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती मेल फीमेल की विजुअली, और अगर बेशक 4 DNA पेपर भी साथ आए हैं, तो DNA आपने अपनी सर्टिफिकेशन क्लियर कराना होता है, करवाना, बिल्कुल, हर बर्ड जब आप बाय करें चाहे कोई कह भी रहा है कि जी मेरे पास इसका DNA, आप एक दफ़ा DNA ज़रूर करवा लें, DNA ज़रूर, इंस्टेड आप 2 साल मेहनत करते रहें, पता चले जी वो पीछे उस बेचारे के साथ भी हाथ हुआ था, ठीक है, तो आपका टाइम ज़ाया ना हो, एक तो सबसे पहले DNA करवा लें। दूसरा, जब मैं इस हॉबी में आया था तो मैंने जो मेरे सीनियर थे, मैं बहुत मेहनत करता था, कभी सुबह कुछ डाल रहा हूँ, शेड्यूल बना रहा हूँ, हफ्ते को दे देना, इतवार को ये देना है, दोपहर को ये देना, शाम को ये देना, तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा बात ये है कि आप इस हॉबी को छोड़ जाओगे, अगर आप इतना करोगे ना तो आप थक जाओगे जल्दी और आप फेडअप हो जाओगे, ठीक है, तो ये जो हॉबी है ये बेसिकली रिलैक्स होने के लिए, इंजॉय करने के लिए, थकने के लिए नहीं है, थकने के लिए, ठीक है,
तो बर्ड्स को कंफर्टेबल होने दें, बर्ड्स को नॉर्मल जो चीज़ इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अब मैं अभी आपको अपना फ्रीजर दिखाता हूँ, उसमें सब वो सब्जियाँ हैं जो सबसे सस्ती मिलेगी। आजकल कद्दू बहुत सस्ता है, वो पड़ा होगा, शिमला मिर्च सस्ती है वो पड़ी होगी, वो नाशपातियाँ पड़ी होंगी उसके अंदर, उसके बाद बंद गोभी होगी, ये चीज़ें जो आजकल सबसे ज़्यादा सस्ती लो प्राइस में है। लो प्राइस पे अब महंगी चीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो लें जो सबसे सस्ती है वो दें और बर्ड को फ्रेश फीड दें, फ्रेश वाटर दें, बर्ड आपका हेल्दी है। जी फ्रेंड्स, जैसा कि जमील भाई ने जो है वो बड़ी प्यारी बात की कि आपका बर्ड मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा होता है कि जो है वो लोग गलत डीएनए भी जो है ना, उनके पास डीएनए ठीक होते हैं लेकिन वो दो मेल हैं और फीमेल को रिंग बना दिया, डीएनए उनको पुराना पड़ा था और आपके पास दो मेल हैं या दो फीमेल हैं आपको पता ही नहीं होता, तो डीएनए दोबारा करवाना अपने जो है वो, चाहे आपके पास चार पेपर हैं, पाँच हैं, छः हैं, लेकिन आपने डीएनए कोई भी बड़ा बर्ड लेना है उसका डीएनए आपने जो है वो मस्ट करवाना है, ताकि आप मेक श्योर कर लें कि आपके पास जो है वो पेयर ही है। दूसरा उसकी एज का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो जमील भाई, अफ्रीकन ग्रे तो जो है हम उसकी आँख से देख लेते हैं कि उसकी येलो आइज़ है, तो वो जो है वो पाँच साल से ऊपर का है, मैच्योर हो गया हुआ है। तो ये जो काकाटू होते हैं और जो मैकाओ होते हैं, इनकी एज को हम कैसे चेक करते हैं कि मैंने एक बर्ड लिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैच्योर बर्ड है या बच्चा है? जितने भी बर्ड्स हैं सबकी आँख का ही पता फिक्स चलता है, आँख से पता चलता है, काकाटू का भी, मकाओ का भी, एलेक्ट्रिस का भी, ग्रे का भी। ये अब आपको आइडिया होता है जो सीनियर होता है कि ये इस टाइम इसकी एज क्या है। अब जो मकाओ रखने वाला बंदा है वो आपको देख के बता देगा कि ये मकाओ दो साल का है, ये चार साल का, ये आठ दस, एक आधे साल का, छः महीने का फर्क हो सकता है, लेकिन उसको आइडिया हो जाता है। आइडिया हाँ, आँख से ही आइडिया होता है। तो किस तरह की इसकी आँख होती है जमील भाई, अगर मकाओ की बात कर रहे हैं? जैसे जैसे आँख क्लियर होती जाती है, ठीक है, उतना फिर एज में जो वो आता जाता है डिफरेंस के, ये इस टाइम ये एज होगी। जैसे ग्रे में आप देखते हैं कि जितना वो येलो सर्कल बड़ा होता जाता है, तो उसमें आप अंदाज़ा लगाते हो कि इसकी एज कितनी होगी, वो कितना डार्क येलो है उस हिसाब से वो इतना उतना ही एज्ड बर्ड होगा। इसी तरीके से इनमें भी सारी आइज का ही इसमें। तो जमील भाई, ये जो मैकाओ होता है इसकी जो ब्रीडिंग एज जो होती है वो कितनी होती है, ये कितने साल तक जो ब्रीड कर सकता है? इसमें जी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मेरे कुछ दोस्तों ने जो ब्लू एंड गोल्ड है वो इवन ढाई साल का बर्ड भी उनके पास ब्रीड किया है और बच्चे आए हैं, बच्चे आए हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं जी आठ साल में ब्रीड करता, कोई सात साल में करता, लेकिन जो कैप्टिव बर्ड्स है उसकी ढाई साल तक की जो है वो हमने देखा है कि वो उसमें फर्टेलिटी भी आई है और उसका रिजल्ट भी आया। फीमेल दोस्त के पास वो ढाई साल की थी, उसने ब्रीड किया, बच्चे निकाले, एक दोस्त और बता रहे थे उनके पास तीन साढ़े तीन साल का पेयर था, वो उन्होंने हैंड टेम था, उसने बच्चे निकाले, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं। सही, बुक्स सही। में अगर आप पढ़ें उसमें भी डिफरेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं काफ़ी सारे। अच्छा अच्छा, सही। जमील भाई, अभी ये टेम बर्ड पर बात हुई, तो जैसा कि जब रिंगनेक का अगर मेल टेम है या राक का अगर मेल टेम है तो वो ब्रीड में बहुत प्रॉब्लम करता है, प्रॉपर ब्रीड नहीं करता, क्या ये बड़े बर्ड्स में भी ऐसा है कि आपके पास मेल भी टेम है फीमेल भी टेम है, अगर आपने खुद बच्चे लेके घर पाले हैं तो क्या वो वैसे ही ब्रीड करेंगे नॉर्मली जैसे करते हैं या उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी? नहीं, नॉर्मली जो बड़े बर्ड्स हैं उनमें टेम अच्छा ब्रीड करते हैं, लेकिन आपने ऐसा टेम ना कर दिया हो कि बिल्कुल आपने उसको बॉल ही बना दिया हर वक्त उसके साथ, थोड़ा सा उसमें अपना भी जो उसका वो जो है ना वो हो बर्ड के अंदर के मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, जब वो ब्रीड में जाता है तो उसको नेचर के बारे में आइडिया हो जाता है, लेकिन जो बिल्कुल मैंने देखा जो बिल्कुल हर टाइम आपने उसको गोद में पकड़ा हुआ है वो बर्ड नहीं मज़ेदार ब्रीड करते वो नहीं देखते। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। तो जमील भाई, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो बड़े बर्ड्स होते हैं अक्सर सुनने में आता है कि इनमें इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आती है, उसकी क्या रीज़न हो सकती है? मेन रीज़न उसकी यही है जी कि पेयर की बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, या मेल की एज प्रॉपर नहीं है, ठीक है, या दो फीमेल्स लगी हुई हैं, दो फीमेल्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो देन वो उसी हिसाब से ये दैट्स अ रीज़न मोस्टली होती हैं और कोई खास नहीं होती। ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मेल या फीमेल में कोई डिफेक्ट हो, कोई एक आधा परसेंट चांसेस होते हैं। नॉर्मली या तो एज डिफरेंस होता है क्योंकि वाइल्ड बर्ड्स पकड़े होते हैं ना, तो मेल की एज का पता होता ना फीमेल की एज का, उनकी बॉन्डिंग ही प्रॉपर नहीं हो रही होती, आप विटामिन दे रहे होते हैं, विटामिन की पावर से फीमेल एग लेइंग की जा रही होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो नुकसानदेह चीज़ है वो ये होती है कि अभी जैसे ही ये जून जा रहा अगस्त का एंड होना है तो विटामिन की बरबार शुरू हो जाना है, बरबार शुरू हो जाना, ठीक है। अब गर्मी पड़ रही है सख्त, तब मेल एक साइड के ऊपर सुस्त होकर बैठा हुआ है, फीमेल को वो आपने इतने ज़्यादा विटामिन दिए उसने जाके एगलिंग कर दी, ठीक है। सख्त सर्दी में हम बहुत ज़्यादा विटामिन दे देते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं, उसमें भी यही होता है कि फीमेल जो है वो हीट पर जाके एगलिंग कर देती है, मेल जो है वो
बैठा रहता है, और अगर फीमेल ने चार एग ले किए हैं या पांच किए हैं तो उसमें मेल ने एक आधी बार मेट किया है तो एक आध या दो अंडे फर्टाइल हो जाएंगे, तीन आपके अंडे ज़ाया हो जाएंगे। तो बेहतर ये जल्दबाजी ना किया करें, ठीक है, प्रॉपर ब्रीडिंग सीजन आने दें। क्लच वही तीन ही आने हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर सीजन में लेंगे तो आपके भरपूर सारे अंडे भी फर्टाइल होंगे और पेरेंट्स पालेंगे भी अच्छा, आपके पास पूरा एक रिजल्ट आएगा। अगर आप जल्दी कर जाएंगे, आप विटामिन दे के बर्ड का भी बड़ा कर लेंगे, और जब प्रॉपर ब्रीडिंग सीजन आएगा तब तक आपका बर्ड वैसे ही अनफर्टाइल कर करके फारग हो गया होगा। जमील भाई ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त बात की, और ये बात मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपने जब जिस बर्ड की ब्रीड लेनी है, जमील भाई मैं बताता रहता हूँ कि जिस बर्ड की आपने ब्रीड लेनी है सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो पेयर आपका बॉन्डेड है या नहीं है। अगर आपका पेयर बॉन्डेड नहीं है आप उसको बॉक्स मत लगाएं, उसको जो है वो हैवी वाइटामिन एंटीबायोटिक्स और दूसरी जो चीज़ें हैं वो आप मत इस्तेमाल करें, एंटीबायोटिक्स कह रहा हूँ, वाइटामिन और कैल्शियम, और जब तक पेयर बॉन्डेड नहीं होएगा बॉक्स नहीं लगाइएगा। और दूसरा एक और चीज़ मिल भी, मैं अपने दोस्तों को अक्सर वीडियोज़ में बताता हूँ कि अगर आपने देखा कि आपका एक पीस ढीला जो है वो ढीला बैठा हुआ है, साइड पर बैठा हुआ है, वो बीमार है, एक पीस ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको जो है वो बॉक्स लगा देते हैं उसकी ब्रीड के लिए, तो आप मेक श्योर कर लें कि आपने जिस बर्ड से ब्रीड लेनी है आपका बर्ड बिल्कुल एक्टिव और हेल्दी होना चाहिए, मेल भी और फीमेल भी जी। आपका पेयर बॉन्डेड होना चाहिए, हेल्दी एक्टिव होना चाहिए, तब जाके आप उसको बॉक्स लगाएं, अदरवाइज आप उसको बॉक्स लगाएं ही नहीं जब तक वो रेडी नहीं हो जाता। जी जबरान भाई आपने बहुत अच्छी बात, एक तो हेल्दी होना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए, और एक प्रॉपर सीजन होना चाहिए, ठीक है। आपको पेयर के अंदर एक्टिविटी नज़र आ जाती है कि अब मेरा पेयर जो है वो रेडी है, अब मुझे बॉक्स देना चाहिए, ठीक है। जो मैंने पहले बात की है कि हम पहले ही बॉक्स लगा के, ठीक है, उनकी बॉन्डिंग हो भी तो ऑफ सीज़न चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा या सर्दी बहुत ज़्यादा तो वो बॉन्डिंग ख़त्म हुई होती, मेल अपने आप को बेचारे सेव कर रहा होता बैठा सर्दी से, ठीक है, या गर्मी से, तो वो बॉन्डिंग ख़त्म हुई होती उनकी, इसीलिए अनफर्टिलिटी आती है। तो जमील भाई इसका जो है वो डाइट प्लान आप कुछ बताएं कि अगर मैं कौ रखता हूँ तो मुझे उसका क्या डाइट प्लान रखना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा फैटी ना हो जाए और जो उसकी ब्रीड के लिए बहुत अच्छा हो। असल में हम थोड़ा सा ना कन्फ्यूज रहते हैं, हम जो बुक्स पढ़ रहे होते हैं जी जी वो नॉर्मली यूरोप अमेरिका के एनवायरनमेंट के मुताबिक होती हैं, ठीक है, हमारा डिफरेंट सिनेरियो होता है, हमें अपने बर्ड को खुद स्टडी करना है, हमें बुक को देख के, बुक भी ठीक है हेल्प करती है, लेकिन मुझे अपने बर्ड को खुद देखना है कि मेरे बर्ड, अगर एक बुक फॉर एग्जाम्पल टोनी सिल्वा ने लिखी है तो उसने अमेरिका में अपने सेटअप के हिसाब से लिखी है, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से लिखी है, अपनी उसके पास क्या डाइट्स अवेलेबल हैं, मुझे अपने बर्ड को अपने हिसाब से देखना है कि मैं क्या डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ जी वेजिटेबल्स, बहुत कम फ्रूट, फ्रेश सीड्स, थोड़े से मैं इम्पोर्टेड सीड डालता हूँ जिसमें नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, वो मैं डालता हूँ, वो एज ए ट्रीट होते हैं, ट्रीट, हाँ बिल्कुल ऐसा है। गर्मियों में आपको जो है वो ठंडी सब्जियाँ और जो ऐसे फ्रूट जो उनके लिए सीजनली फ्रूट जिसको कहते हैं, और सीजनली जमील भाई जो चीज़ सस्ती होती है वो डेफिनेटली वो सीजनली होती है, तो जो आपको बर्ड को हमने कोशिश यही करनी है कि जो सस्ती सब्जियां फ्रूट्स मिले वही हम बर्ड्स को देंगे। एक तो सस्ती मिलती हैं, दूसरा ये कि जो सीजनली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं वो सस्ती होने के साथ साथ आपको वाफर मकदार में नज़र आएंगी हर तरफ। बिल्कुल ऐसे। तो जमील भाई और कोई आप बात शेयर करना चाहें हमारे दोस्तों के साथ, मकाओ काकाटू या एलेक्टस के बारे में जो दोस्त इनको रखना चाह रहे हैं, जिनको इनको उनके लिए कोई टिप देना चाहें ब्रीडिंग के लिए या इनको रखने के तरीके के बारे में? जबरान भाई मैं तो अभी तक जो समझा हूँ ना इस हॉबी को, कोई इसमें कोई ऐसा वो क्या कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं है कि ये काकाटू के लिए ये चीज़ें फिक्स ही फिक्स हैं, मकाओ के लिए ये डब्बे की शेप ऐसी ऐसी होनी चाहिए। बात ये है कि अगर आपका बर्ड हेल्दी है, उसकी एज पूरी है, आपने उसको प्रॉपर डाइट दी हुई है, उसका प्रॉपर ब्रीडिंग सीजन है, तो वो ब्रीड करेगा। ये कहा जाता है फलां बर्ड बहुत मुश्किल है, फलां बर्ड बहुत इजी है, जिसके पास जो कर जाता है वो कहता है उसको वो बहुत इजी है, जिसके पास जो नहीं कर ब्रीड करता, कुछ कहते हैं मकाओ की ब्रीड इजी नहीं है, कुछ कहते हैं काकाटू की ब्रीड इजी नहीं है, कुछ कहते हैं फलां की ब्रीड इजी नहीं है, कुछ कहते हैं लैक्टस बहुत मुश्किल है। तो बात ये है कि हर बर्ड ब्रीड करता है, हर बर्ड ब्रीड करता है। आप में पहली बात है कि पेशेंस होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, उसको टाइम दें, उसको सेटल होने दें, उसको अडल्ट होने दें, जब उसका टाइम आएगा वो ब्रीड करके आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अगर आप उसको छः महीने लाएँ, छः महीने के बाद
आप जनाब उठा के दूसरी केज में शिफ्ट कर रहे हैं, तीसरे में कर रहे हैं, या आप साल दो साल के बाद आप उठा के बेच रहे हैं, ठीक है, वो बेचारा ट्रांसपोर्टिंग करता जा रहा है। मुझे याद है एक पेयर मेरे पास आया इलेक्ट्रिक्स का दुकान के ऊपर, वो मैंने एक दोस्त को दिया सियालकोट में, वो ब्रीडर करके आया, दो से ढाई महीने दोस्त ने रखा, वो वापस आ गया, जी जमील भाई इसने मेरे पर ब्रीड नहीं किया, लैक्टस तो ये ऐसे ब्रीड करता था, मैंने कहा यार उसको सेटल होने दें। खैर वो आ गया, दूसरे दिन ही दूसरे या तीसरे दिन गुजरा वाले से दोस्त आए, उन्होंने कहा जमील भाई ये पेयर मुझे दे दें, मैंने कहा जी आप ले जाएँ। वो उन्होंने जाके मुझे अगले दिन अपडेट किया जी वो फटकी के अंदर ही उसने एक अंडा दे दिया, फटकी के देखिए वो अब उसने वहाँ पे दो ढाई महीने लगा लिए थे, वो बर्ड सेटल हो गया था, अब उसका टाइम आ गया था, टाइम आ गया था, बस उस बंदे ने एक महीना और पेशेंस दिखाता तो उसके बाद रिजल्ट आ गया था। लेकिन वो पेयर वहाँ से फिर लाहौर आ गया, लाहौर से फिर वो गुजरांवाले चला गया, वो जाता रस्ते में उसने एग्लिंग कर दी, अब फिर वो जाता हुआ डेफिनेटली डिस्टर्ब हो गया, एक दो महीने फिर उसको वहाँ पर जहाँ पर सेटल होने में लगेंगे। तो पेशेंस दिखाएँ, हर चीज़ ब्रीड करती है, बशर्ते कि वो मेल फीमेल हो और हेल्दी हो, हेल्दी हो, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात की जमील भाई ने कि आपको इंतज़ार करना है, अगर आप समझते हैं कि मेल फीमेल कंफर्म है, एज पूरी है, तो आपको इंतज़ार करना है और वो आपके पास ब्रीड ज़रूर करेगा लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। बिल्कुल ऐसे। तो जमील भाई इनके जो मकाओ होते हैं, मैं बेसिकली मकाओ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मकाओ और काकाटू पे, इनके जो फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा शौक से खाते हैं और इनके लिए वो बहुत मुफीद है, जो इनकी ब्रीड के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, वो क्या है? एक तो सारी वेजिटेबल्स जो अवेलेबल होती है, जो सीजनल होती हैं, वो मैं डालता हूँ, ठीक है, अगर उसमें से कोई चीज़ वो छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो दूसरे पोल्ट्री की साइड पे चली जाती है, ईमो है वो खा लेते हैं, पीकॉक्स हैं वो खा लेते हैं, लेकिन डालता सब कुछ है, ठीक है, सबसे पहले वो अपनी चॉइस की चीज़ उठा लेंगे, उसके बाद वो दूसरी चीज़, अगर हमने सिर्फ चॉइस ही देते रह गए तो फिर हम उनकी डेफिशिएंसी पूरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, हमें पूरी रेंज देनी है, ताकि जैसे लोकल सीड है तो अगर एक आपका बर्ड सनफ्लावर ही पसंद करता तो आप कहेंगे मैं सारा सनफ्लावर ही डाल दूँ, तो नहीं, गलत है, आप 5% सनफ्लावर डालेंगे, वो सनफ्लावर ख़त्म करेगा, उसके बाद फिर भूख महसूस करेगा तो दूसरी चीज़ की तरफ जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे हमारे घर के अंदर एक मिठाई का डब्बा आता है तो सबसे पहले एक बर्फ़ी ख़त्म हो जाती है, बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो दूसरियाँ फेंक देते हैं, खाते हैं लेकिन दो घंटे बाद गए फिर एक चीज़ चौकली गुलाब जामुन, फिर शाम तक, ठीक है, एंड के ऊपर एक आधी चीज़ रह गई होती है वो भी ख़त्म हो जाती है एक आध दिन में, तो खत्म होती है, खत्म हो और होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ ये छोड़ रहा है उसमें कुछ ना कुछ है, उसने खा लिया उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन लेवल होगा, चीज़ें होंगी दूसरे में डिफरेंट होगा, सब कुछ खाना चाहिए। बर्ड को आपने वैरायटी देनी है और कोशिश करें कि बात ये है कि आपने मेरे सामने ये सेब ला के रखा है कि जमील भाई ये एक सेब मैं खा रहा हूँ, आप मुझे कहें नहीं नहीं ये आप मुझे दें, मैं आपको इसको प्रोसेस करके बिस्किट बना के ला के दूंगा वो खाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक वाइज डिसीजन है, ठीक है, अगर आपके पास फ्रेश चीज़ें हैं तो आप वो दें। तकरीबन मैं 10 साल से चीज़ें इंपोर्ट कर रहा हूँ, वेटाफॉर्म के हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पैलेट्स की मुकम्मल रेंज है, जी जी, ट्रॉपिकन हैगन की पैलेट्स की मुकम्मल रेंज है, केटी की पैलेट्स की मुकम्मल रेंज है, हम बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में इम्पोर्ट करते हैं और कभी भी हमने अपने क्लाइंटों को ये फोर्स नहीं किया कि आप पैलेट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। पैलेट्स के ऊपर शिफ्ट क्यों क्यों मैं प्रोसेस फूड की तरफ जाऊं जब मेरे पास फ्रेश चीज़ें हैं देने, ठीक है, और देनी ही फ्रेश चाहिए, देनी ही फ्रेश, 1-2% आप पैलेट्स ऐड कर दें, ठीक है, ये जो बिल्कुल आप उस पर जाते हैं, पिछले 1-2 सालों में कुछ दोस्तों ने बिल्कुल पैलेट्स के ऊपर शिफ्ट होकर देखा है और फ्रेंकली उनका मेरे पास फीडबैक अच्छा नहीं आया, अच्छा नहीं आया, ठीक है, इवन उनके वो पेयर भी ब्रीड नहीं किए जो उनके रेगुलर उनके पास कर रहे थे, ठीक है, तो इसकी मिसाल ऐसी है ना, आपको कोई एक तरह का बिस्किट दे देता हूँ कि आपने जी 6 महीने ये एक ही तरह का बिस्किट खाना है, ठीक है, चाहे उसमें सेब भी डले हों, सारा कुछ डला हो, तो आप नहीं खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ़ के आपके जो बॉल आता है उसमें सुबह डेली डिफरेंट सब्जी लगी हुई है, डिफरेंट फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो वो आप चूज़ करेंगे, कभी सिट्टा उठा लेंगे, कभी सेब उठा लेंगे, कभी नाशपाती उठा लेंगे, कभी अमरूद उठा लेंगे, तो ये वैरायटी देनी चाहिए ताकि बर्ड दे के खुश होकर खाए, ठीक है, और अपनी उसको प्रॉपर ग्रोथ हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये कहा जाता है कि पैलेट्स के अंदर मुकम्मल एक डाइट होती है, अब एक तरह का पैलेट है, मेरे बर्ड को कोई डेफिशिएंसी है, आपके बर्ड को कोई डेफिशिएंसी है, दूसरे के बर्ड को कोई डेफिशिएंसी है, ये तो फिर ऐसे ही होगा जो हमारे डॉक्टर वो एक विटामिन एक खुराक बना दें कि ये हर इंसान के लिए परफेक्ट है, वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है, हर इंसान में डेफिशिएंसीज डिफरेंट होती हैं, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं,
पैरट ज़रूर दें, 2-4-5% दें, ठीक है, लेकिन बिल्कुल उसको शिफ्ट ना करें जब तक हमारे पास ये उन एरियाज़ के लिए हैं जो डेली फ्रूट नहीं ला सकते, जहाँ पे डेली फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो उनके लिए है कि चलो यार ये हम ये पैरट्स डाल दें, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो जमील भाई, अभी जो दोस्तों ने भी देखा, मैंने भी देखा कि आपने अफ्रीकन ग्रे जो है वो कलोनी में आपने खुले छोड़े हुए हैं, क्या आप इनको इधर ही ब्रीड करवाते हैं, क्या आपने इसकी कलोनी लगाई हुई है या वैसे फ्लाइट के लिए छोड़े हुए हैं? नहीं, मैं अफ्रीकन ग्रे को हमेशा, जैसे मैंने पहले बोला, मेरी सिर्फ एक दफ़ा अलेक्टस को मैंने कॉलोनी में ब्रीड करवाया था जो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि हर पेयर सेपरेट ब्रीड करे। देखिए, हमारा यहाँ पे अगर आप देखें अफ्रीकन ग्रे हमारे बहुत सारे दोस्तों ने लगाए हुए हैं, लेकिन मायूसी क्या होती है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, 2-3 साल मेहनत के बाद उनका पेयर ब्रीड करना शुरू होता है, और एक सीज़न, दो सीज़न या तीसरे सीज़न के बाद पेयर रुक जाता है, या अल्लाह ना करे कोई ना कोई एक मेल या फीमेल की ज़ाया हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब बर्ड को फैट ज़्यादा आ जाता है तो वो ब्रीड नहीं करता, ब्रीड के काबल नहीं रहता, मसल्स इतने वीक हो जाते हैं। 4 फुट का केज है, 5 फुट का भी दे दें, 6 फुट का भी आप दे दें, उसमें बर्ड वो फ्लाई नहीं कर सकता, लटक के नीचे आता, क्रॉलिंग करता रहता है, सनफ्लावर खाता रहता है, फिर जाकर डब्बे में चला जाता है। तो कम अज़ कम 3 महीने आप अपने उन बर्ड्स को निकालें, रिंग नंबर नोट करें कि कौन सा पेयर किस फीमेल के साथ लगा हुआ, आप उनको एक बड़ी फ्लाइट में दे दें, वहाँ पे उनको आप खुली वेजिटेबल्स दें, फ्रूट दें, और उनको एंजॉय करने दें, 3 महीने एंजॉय करने दें, ताकि वो अपने मांस मसल सेट कर लें, ठीक है, और दोबारा वो आपके लिए पूरे अगले सीज़न के लिए रेडी हो जाए। तो मैंने ये इसलिए इनको छोड़ा हुआ है, ये अभी 2 महीने यहाँ पर रहेंगे मज़ीद, ठीक है, उसके बाद फिर मैं इनको बॉक्सेस में, अपना ब्रीडिंग केजेस में शिफ्ट कर दूँगा, 2 महीने में ये अपने आप को इंशाल्लाह मुकम्मल परफेक्ट कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई। मैंने जमील भाई सुना था कि अफ्रीकन ग्रे को अगर आप एक केज से दूसरे केज में डाल दें तो वो जो है वो 1 साल पीछे चले जाता है, मतलब आपने सब पेयर्स को उठा के आपने कॉलोनी में छोड़ दिया, जब आप दोबारा उनको वापस केजेस में डालेंगे क्या वो डिस्टर्ब होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात है। असल में मसला ये है कि बहुत सारी जो है ना सुनी सुनाई बातें होती हैं कि जी वो पहले था जी अफ्रीकन ग्रे बिल्कुल अंधेरे में ब्रीड करता है, काफ़ी सारा सा यही चलता रहा कि वो बेचारा नीचे वाले, सबसे नीचे वाले पोर्शन में जहाँ पे ना उसको सनलाइट मिलती है ना वो वहाँ पड़ता रहा, सड़ता रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। मैंने जैसे बोला है कि अगर आपका पेयर हेल्दी है, अडल्ट है, प्रॉपर ब्रीडिंग सीजन है, तो वो ब्रीड करेगा। अक्सर ये जो दोस्तों को प्रॉब्लम आती है, वो ब्रीडर पेयर लेके आए हैं और आगे आके नहीं हुआ, ठीक है, डेफिनेटली लोकेशन से फ़र्क पड़ता है, अगर वो अगली जगह पे आके सेटल नहीं हो पा रहा, प्राइवेसी फील नहीं कर रहा, लेकिन उसमें ये भी रीज़न होती है कि वो जो अपनी जो 2-3 साल का अपना टाइम था वहाँ ब्रीड कर आया, उसके बाद वो बेचारा उस फैट इतना उसने ले लिया, उसके मसल इतने वीक हो गए कि वो अब फर्क हो गया हुआ, या तो उसको आपको 6 महीने के लिए फ़्लाइट दे दें, वो उड़े अपने आप को फिट कर लें, देन आप ब्रीड पे लगाएं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होता, जैसे ही ये बर्ड्स को इंशाल्लाह सीज़न आएगा हम इनको बॉक्सेस देंगे तो ये इन्होंने दोबारा अपने काम पे लग जाना, बिल्कुल, और बड़ा हेल्दी हो जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली सारी फैट जो है वो उतर जाती है। तो जमील भाई, मकाओ के बारे में बात करें, ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि ब्लू एंड गोल्ड मकाओ जो है वो ज़्यादातर लोग यही लगा रहे हैं, तो क्योंकि मेरे ख्याल से प्राइस में भी थोड़ा ये जो है कम है, तो क्या इनकी ब्रीडिंग में भी होता है कि एक माशाल्लाह स्कारलेट मकाओ एक्सपेंसिव मकाओ है वो ब्रीड मुश्किल करता है, ब्लू एंड गोल्ड सुना है कि जल्दी चल जाता है, कि ऐसा है या सिर्फ ये बातें नहीं हैं? मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया कि ये सब कॉन्स्परेंसी थ्योरीज ही हैं। बर्ड ब्रीड करता है, हर बर्ड ब्रीड करता है तो वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो दुनिया में ही ना हो, ठीक है, बस वो आपके लिए पेशेंस चाहिए, ठीक है, जब वो अच्छा टाइम है तो उसमें ब्रीड कर लें, अच्छा टाइम है ब्रीड करें, आप ब्लू एंड गोल्ड लगा लें, अगर वो अडल्ट नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है उसकी, सीज़न नहीं है, तो वो ब्रीड नहीं करेगा, ठीक है। आप स्कारलेट लगा लें, अगर टाइम है, प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ब्रीड कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्कारलेट्स वगैरह में प्रॉब्लम आती है वो मोस्टली यही आती है कि मेल और फीमेल के एजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, आइडिया नहीं होता कि मेल की एज कितनी होगी, फिर वो 10-15-20-20 साल का आपस में वैसे ही फ़र्क होता है, अच्छा, क्योंकि एक लेवल पे जाके बिल्कुल आइडिया होना बंद हो जाता है, ठीक है, तो वो उस वजह से भी कुछ थोड़ा सा ये भी होता है कि फीमेल इजीली अवेलेबल नहीं है, कोई भी मिली उसके साथ लगा दी, जैसे मैंने ये लगाई हुई है। अच्छा, लगा सकते हैं कि आप स्टारलेट का जो है वो ब्लू एंड गोल्ड लगा दें? वो लगी, वो डेफिनेटली हाइब्रिड में आ जाता है, मेरे पास भी एक लगा हुआ है, ब्रीडर पेयर है, स्कारलेट का मेल भी ब्रीडर है, फीमेल भी ब्रीडर है, लेकिन फीमेल ग्रीन विंग की लगी है इसके साथ, ठीक है। तो मैंने बता रहा हूँ दोनों में, जैसे एक स्कारलेट का मेरे पास पेयर लगा, उसमें मेल की एज कोई 10-12 साल होगी,
फीमेल की एज वो 3-4 साल है, वो मेरे अपने घर की ब्रीड है, लेकिन मुझे पता है उन्होंने ब्रीड नहीं करना। ठीक है, कोई अच्छी फीमेल अडल्ट अवेलेबल नहीं थी तो मैंने छोड़ दी, लेकिन मुझे पता है अभी 2-4 साल वेट करना पड़ेगा, वो जब टाइम आएगा तो शुरू कर। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई आपका। और सबसे लास्ट पे आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन जमील भाई, ये मकाऊ की प्राइस के बारे में जो है हमें बताएं कि कितने कितने के आते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं प्राइसेस का कैसे आपको आइडिया दूँ, मैं इस तरह देता हूँ कि सब दोस्त जो देख रहे हैं, आप भी माशाल्लाह लबर्ड ब्रीड कर रहे हैं, तो लबर्ड की प्राइस का आपको आइडिया है आजकल मार्केट में क्या है, तो बस उससे कैलकुलेट कर लें कि एक मकाओ से कितने लबर्ड निकल सकते हैं, तो उसको जरूर दे दें। सर वो काफ़ी महंगा आता है लबर्ड। फिर मकाओ भी महंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंजॉय किया आज की वीडियो में मैंने, आप दोस्तों ने, आप बहुत सी रेयर ब्रीड जो है जमील भाई ने लगाई हुई है, कुछ ऐसे परिंदे जो बहुत ही नायाब हैं जो मैंने आज तक नहीं देखे, और वो भी माशाल्लाह जो जमील भाई ने लगाए हुए हैं, तो बड़ा मज़ा आया। जमील भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हम दोस्तों को इतनी इन्फॉर्मेशन दी। अभी मेरे ख्याल से कोई मकाओ लगाना चाहेगा तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके भी क्लियर हुए, मेरे भी क्लियर हुए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।